आज की चर्चा में हम बात करेंगे मोबाइल से हिंदी टाइपिंग कैसे सीखें। हिंदी के जो भी पद आ रहे हैं या जो भी वैकेंसीज आ रही हैं उनमें आजकल कंप्यूटर पर टाइप करने का प्रचलन बढ़ गया है और उसमें आपको कंप्यूटर पर टाइप करने के लिए कहा जाता है, चाहे IBPS हो या कोई भी परीक्षा हो। जिनके पास कंप्यूटर नहीं है, लैपटॉप नहीं, उनके लिए सबसे बड़ी समस्या है 30,000-40,000 खर्च करके तत्काल कंप्यूटर या लैपटॉप खरीदना। तो इसका सबसे आसान तरीका आज मैं बताने जा रहा हूँ। देखिए, सबसे पहले आपको ज़रूरत होगी एक कीबोर्ड की। ये देखिए, इसको कीबोर्ड कहा जाता है, जिसमें आप ABCD वगैरह लिखा रहता है, इसकी मदद से आप टाइप करते हैं। कीबोर्ड के अलावा एक OTG डिवाइस आता है, ये देख लीजिए, इसको OTG बोलते हैं। इसमें दो तरह का OTG आता है, एक आता है जो आपका पतला पिन होता है, उसके लिए आपके मोबाइल में जो लग जाता है चार्जर के जगह पे, जैसे अलग अलग कंपनियों के OTG आते हैं, और एक आता है मोटे पिन के लिए जो सी टाइप का होता है। तो जो अभी मैं दिखा रहा था वो सी टाइप चार्जर के लिए, और ये मैंने लिया था ये पतले पिन वालों के लिए। ये देखिए, इसका पिन पतला है, तो जिसके पास इस तरह का मोबाइल स्लॉट है वीवो वगैरह का, उसमें लगने के लिए ये पतला वाला पिन लगता है। ये देखिए, इसमें इस स्लॉट में जैसे मैं यहाँ ये पिन लगा देता हूँ, ये देखिए, ये मैंने इसमें फिट कर दिया। इसी तरह से सी टाइप वाला जो मोबाइल है उसमें उसको फिट करेंगे। उसके बाद आप करेंगे क्या कि ये जब भी आप खरीदेंगे तो इस तरह वाला खरीदिएगा कीबोर्ड, जिसमें ये क्लिप जैसा लगा होगा, वो पिन वाला मत लीजिएगा, नहीं तो उस पर आप कंप्यूटर पे मोबाइल से टाइपिंग नहीं कर सकते। अब इसको मैंने यहाँ पर जोड़ दिया। अब जोड़ने के बाद इसका आपके मोबाइल के साथ कनेक्शन हो गया। अब आप इस कीबोर्ड से जो कुछ भी टाइप करेंगे वह आपके मोबाइल में होता जाएगा। लेकिन रुकिए, इसके लिए आपको कुछ और चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। मोबाइल में टाइप करने के लिए एक सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ती है, वो सॉफ्टवेयर आपको गूगल प्ले स्टोर से उतारना पड़ता है। इसके अलावा आपको एक पेज, ब्लैंक पेज खोलना है, तो ब्लैंक पेज के लिए या तो WPS ऑफिस डाउनलोड कर लीजिए, या वर्ड फाइल डाउनलोड कर लीजिए, या फिर और इस तरह का जो एप्लीकेशन होता है उसे डाउनलोड कर लीजिए और उस पर आप ये सीखना शुरू करिए। आपको सॉफ्टवेयर और उसके बारे में अभी एकांत जी बताएंगे कि कैसे आप अपने मोबाइल में उसे करेंगे। तब तक मैं थोड़ा सा आपको कीबोर्ड से परिचय करा देता हूँ। देखिए, चूंकि ये कीबोर्ड अंग्रेजी में आप देख पा रहे हैं कि पूरा का पूरा अंग्रेजी है, तो अधिकांश लोगों को ये संशय होती है कि हम इसमें हिंदी में कैसे टाइप करें। देखिए, हिंदी में टाइप करने के लिए एक सेट ऑफ लेसन है, एक पाठ है, वो पाठ राजभाषा की वेबसाइट पर भी मिल जाएगा। उसका लिंक मैंने अपने ब्लॉग gali.kuchha.blogspot.com पर दिया हुआ है, आप वहां से भी सीधे जाकर के वो पाठ डाउनलोड कर सकते हैं। 17 पेज का वो लेसन है, उसमें आपको पूरा मिलेगा। आप देखिए, जैसे इसमें कीबोर्ड में मैं दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ, यहाँ देखिए इस तरफ से शुरू होता है, यहाँ देखिए लिखा हुआ है ASDF। अब ये जो F है, यहाँ देखिएगा आप ध्यान से, यहाँ एक निशान सा बना हुआ है, मतलब आपकी उंगली यहाँ रुकेगी। इसके बाद फिर इसी तरह से यहाँ से शुरू होता है सेमी कॉलन LKJH। अब ये जो L है, J है, यहाँ भी एक बना होता है, इसका मतलब जब आप उंगली रखते हैं तो आप अपनी उंगली इस तरह से रखते हैं, दोनों ओर से इस तरह से उंगली रखते हैं और उंगली रख करके टाइप करना शुरू करते हैं। अब जो एक चीज ध्यान देने वाली बात है कि इंस्क्रिप्टिंग अगर आप सीख रहे हैं तो इसके दो हिस्से अगर कर लेते हैं, जैसे मैंने आपको बताया ASDFG, यहाँ आपकी मात्राएं आती इस तरफ और इस तरफ आपके अक्षर आते हैं, बहुत आसान है। अब ये जो पहला वाला लाइन है जिससे हमने ये किया है सेमीकोलन LKJH, तो यहीं से त क च र प इस तरह से और इस तरह से मात्राएं टाइप कर सकते हैं, वो आपको उस लेसन में दिया हुआ है। आपको रोज करना क्या है कि एक एक लेसन, एक एक पाठ अभ्यास करना है, आप उसमें से देख लीजिए और उसके अनुसार मन में बसाते हुए की टाइप करते चले जाइए, आपकी हिंदी में टाइपिंग होती चली जाएगी। अगर आप इस विधि को अपनाएंगे तो एक हफ्ते के अंदर आप टाइपिंग पूरी तरह सीख सकते हैं, उसके बाद फिर रह जाता है अभ्यास, अभ्यास आप पूर्वज जारी रखिए। अब एकांत जी आपको बताएंगे कि इसमें आप किस तरह से टाइप करेंगे, क्या क्या सॉफ्टवेयर है, आइए अब एकांत जी की ओर चलते हैं। धन्यवाद सर। मैं सबसे पहले तो जैसा आपको सर ने कहा कि आपको एक एक्सटर्नल कीबोर्ड की ज़रूरत है, तो आपको वो अपने पास रखनी है। उसके बाद से
आपको एक यूएसबी की ज़रूरत पड़ेगी ऐसा, ठीक है, जो कि आपको किसी भी मोबाइल दुकान पे आसानी से मिल सकती है। उस यूएसबी में आप अपने जो कीबोर्ड का जो प्लग है जो रहता है उसको ऐसे अटैच कर दीजिएगा। ओके, अटैच करने के बाद आप ये क्या करिएगा, इसकी यूएसबी को अपने मोबाइल के संग अटैच करिएगा। उसको मोबाइल में जैसे ही हम अटैच करेंगे तो उसके बाद क्या होता है मैं आपको आगे बतलाता हूँ। इंसर्ट करते ही ऊपर में एक सेटिंग्स का साइन आया और एक हल्का सा आपको नोटिफिकेशन का मैसेज आया। इसको हम लोग नीचे स्क्रॉल करते हैं, ठीक है, नीचे स्क्रॉल करते हैं तो यहाँ पर दिखाया गया क्या, कॉन्फ़िगर फिजिकल कीबोर्ड, ठीक है। अब इसको हम लोग को क्या करना है, ये फिजिकल कीबोर्ड हम लोग का अटैच हो गया। अब इसको आगे यूज़ करने के लिए हम लोग को क्या चाहिए, एक एप्लीकेशन की ज़रूरत पड़ती है जिसका नाम है एक्सटर्नल कीबोर्ड हेल्पर, जो कि हम लोग को प्ले स्टोर पर आसानी से मिल सकती है। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, ये मैंने अपना प्ले स्टोर ओपन किया और यहाँ पे सर्च में जाकर ऑलरेडी मैंने यहाँ पे सर्च करके रखा है एक्सटर्नल कीबोर्ड हेल्पर, ठीक है। इसी तरह आपको भी लिखना है सर्च में, तो मैं इसको यहीं से सेलेक्ट करके ओपन करता हूँ। जैसे ही मैंने एक्सटर्नल कीबोर्ड सर्च किया तो यहाँ पर देखिए बहुत सारा ऐप खुल जाता है। ऐप खुलते ही देखिए यहाँ पर ये जो है हम लोग का ये जो नाम लिखा हुआ है एक्सटर्नल कीबोर्ड हेल्पर प्रो, ठीक है, इसमें कीबोर्ड का साइन दिया हुआ है और उस पर क्रॉस किया हुआ है, तो इसको ओपन करना है। देखिए मेरा ऑलरेडी इंस्टॉल है इसलिए मेरा यहाँ पर क्या कर रहा है, ओपन करने का यहाँ पे ऑप्शन दे रहा। मैं इसको यहाँ से ओपन करता हूँ। ओपन जैसे मैं करूँगा तो उसका फ्रंट पेज ये ऐसा आता है उस ऐप का। उस ऐप का ये जो फ्रंट पेज है उसको देखिए यहाँ पर जो दिया हुआ है चूज़ कीबोर्ड लेआउट, इसमें आपको जाना है और यहाँ पर जाकर आपको सेलेक्ट करना है कि आपको कौन सा लैंग्वेज में टाइप करना है, ठीक है। हालांकि हम लोग को हिंदी में करना है क्योंकि इंग्लिश कीबोर्ड तो हम लोग आसानी से कर सकते हैं, वो तो नॉर्मली हो सकता है, लेकिन हिंदी करना है तो इसके लिए हम लोग को हिंदी ऐप की ज़रूरत पड़ती है, जो कि यही ऐप है एक्सटर्नल कीबोर्ड है। पर इसमें हिंदी का जो ऑप्शन है वो आता है, ये देखिए जो हिंदी ट्रेडिशनल दिया हुआ है इसको जब आप सेलेक्ट करिएगा तो आपका जो एक्सटर्नल कीबोर्ड है जो बाहर से आप लोग जो कंप्यूटर वाला जो कीबोर्ड रहता है उसको आप लोग अटैच किए हैं उसके माध्यम से टाइप करना चाहते हैं तो उस समय ये जो ऑप्शन है ये ऑप्शन काम आएगा हम लोग को हिंदी टाइपिंग के लिए। तो इसको हम लोग सेलेक्ट करते हैं और यहाँ से हम लोग बैक चले जाते हैं, ठीक है। अब बैक जाने के बाद हम लोग क्या करेंगे, ऑफिस जो WPS ऑफिस है उसको ओपन करेंगे। ये देखिए WPS ऑफिस, इसको ऑन करने के बाद ये मेरा पेज खुला हुआ है ऑलरेडी आगे से, तो मैं आपको एक बार बैक जाके दिखा देता हूँ। यहाँ से मैं इसको डिस्कार्ड कर देता हूँ। ओके, ये देखिए ये आपका ओपन होगा WPS ऑफिस ऐसा, ठीक है। इसको आपको क्या करना है कि यहाँ से ऐड जो प्लस का साइन है इस पर क्लिक करके आपको नया ओपन करना है। ये देखिए यहाँ पर टेक्स्ट का ऑप्शन आ रहा है, ये जो है इसको हम लोग जो ये डॉक का नीचे तो दिख गया TXT, इसका मतलब होता है टेक्स्ट। जब आप इसको ओपन करिएगा तो इसमें आप जो टेक्स्ट मैसेज होता है टेक्स्ट मैसेज उसको आप लोग टाइप कर सकते हैं। तो इसको ओपन करते हैं, इसको ओपन करते हैं, ये देखिए एक ब्लैंक सा पेज आ गया। हालांकि मेरा अभी एक्सटर्नल कीबोर्ड टोटली अभी अटैच मतलब जो टोटली होता है पूरी तरह से वो चालू नहीं हुआ है, इसलिए यहाँ पर मेरा स्क्रीन पर कीबोर्ड दिखा रहा है। लेकिन जैसे ही हम इसको इसके स्क्रॉल बार को ठीक है नीचे स्क्रॉल कर दे तो यहाँ पर देखिए दो ऑप्शन दिखा रहा है। एक तो जो पहले था कॉन्फ़िगर फिजिकल कीबोर्ड वो तो रहेगा ही, ये साथ में जो दिखा रहा है चूज़ इनपुट मेथड, इसको अब हम लोग को चेंज करना होगा। इसको चेंज करने के लिए आपको क्या करना है कि आपको इस पर सेलेक्ट करना है, इस चूज़ कीबोर्ड इनपुट मेथड जो है इस पर आप लोग टैप करिएगा तो आपका ये देखिए ऐसा एक ऑप्शन आता है। अब इस ऑप्शन को आने के बाद आप लोग को एक्सटर्नल कीबोर्ड हेल्पर को चूज़ करना है, क्योंकि हम लोग को एक्सटर्नली यूज़ करना है जो हम लोग बाहर से लगाए हैं कंप्यूटर वाला कीबोर्ड उसको हम लोग को उससे हम लोग को अब टाइपिंग करना है तो हम लोग इसको सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। सेलेक्ट करके ओके कर देंगे। इसको ओके करने के बाद क्या होगा कि अब हम जब टाइप करेंगे तो ये हम लोग का एक्सटर्नल हो रहा है, एक्सटर्नली कीबोर्ड जो हम लोग का है कंप्यूटर वाला उससे अब टाइप हो रहा है, ठीक है। अगर क्या होता है किसी के मोबाइल में ये ऊपर में जो ऐसे दे दिया है मेरे यहाँ पे चूज़ करने का ये ऑप्शन नहीं देता है तो उस समय हम क्या करना है, उस समय आप लोग को ज़्यादा कुछ परेशानी की बात नहीं है, आप लोग को ज़्यादा चिंता नहीं करना है, आराम से आप लोग अपनी सेटिंग्स में जाइएगा। देखिए सेटिंग्स में जाने के बाद ये जो सर्च का ऑप्शन आ रहा है ऊपर में सर्च सेटिंग, यहाँ पर सर्च करिएगा कीबोर्ड, ठीक है, कीबोर्ड सर्च करिएगा। तो मैं इसको पहले यहाँ से पर्सनल मोबाइल में चला जाता हूँ। अब यहाँ पे देखिए कीबोर्ड सर्च करेंगे हम लोग कीबोर्ड,
ठीक है। तो जैसे ही हम लोग कीबोर्ड की लिखेंगे तो यहाँ पे देखिए बहुत सारा ऑप्शन आएगा। यहाँ पे देखिए करेंट कीबोर्ड में जाना है, करेंट कीबोर्ड में जाएंगे तो यहाँ पे हम लोग को ऑप्शन दिखाएगा कि कौन सा कीबोर्ड यूज़ कर रहे हैं। जैसे कि देखिए मेरा अभी करेंट कीबोर्ड क्या है, इमोजी कीबोर्ड है, तो इसको क्या करना है यहाँ से हम लोग को सेलेक्ट करना है। और यहाँ से फिर हम लोग को क्या करना है, देखिए ऊपर में दिखा रहा है एक्सटर्नल कीबोर्ड हेल्पर प्रो, इसको सेलेक्ट करना है। अब जैसे ही इसको सेलेक्ट करेंगे तो क्या होगा, फिर से हम लोग का वो जो एक्सटर्नल कीबोर्ड हम लोग ने यूज़ कर रहा है वो कीबोर्ड अब चालू हो चुका है। देखिए फिर से मैं टाइप करके दिखाता हूँ, ये देखिए र प छोटी ल ग छोटा बड़ा उ ब ह क त, ये जो है अभी यूज़ होने लगा। ठीक है, मैंने इनस्क्रिप्ट कीबोर्ड अपने ब्लॉग पर डाला हुआ है, आप gali-kucha.blogspot.com पर जा कर के देख सकते हैं। और इसमें जब नीचे की तरफ जाएंगे तो इसमें आप लेसन देख सकते हैं, ये देखिए यहाँ से कैसे क्या करना है। और अभ्यास एक में आपको कहाँ उंगली रखनी है, बाएं हाथ दाएं हाथ कहाँ रखना है और किसका अभ्यास करना है, पहले 1 2 3 4 फिर उसके बाद अभ्यास 2, इस तरह से आप इससे अभ्यास कर सकते हैं। ये है हमारा ब्लॉग gali-kucha.blogspot.com, इसको खोलेंगे आप। इसको खोलने के बाद आप इसमें नीचे जाएंगे तो ये देखिए बाईं तरफ राजभाषा हिंदी के प्रयोग संबंधित आदेशों का संकलन ये है। और इसके बाद इसी लाइन में आप नीचे जाएंगे तो यहाँ इनस्क्रिप्ट कीबोर्ड लेसन मिलेगा, आप इसे डाउनलोड कर लीजिए और पढ़ाई शुरू कर दीजिए।